ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिला सचिवालय की है, जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। और मुद्दा इस बार है जो फ्लाईओवर बन रहा है करनाल में, निरंकारी भवन से इस फ्लाईओवर की शुरुआत होगी और फ्लाईओवर आगे बढ़ेगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं रेलवे रोड पर ये फ्लाईओवर बन रहा है और बस स्टैंड से भी फ्लाईओवर अलग एक टर्न निकलेगा। इसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है और यही रोष है जिसके चलते वो आज सड़क पर उतरे हैं। फ्लाईओवर बनने का कोई फायदा होगा या नुकसान होगा और ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस भी यहां पर तैनात की गई है और फिलहाल ये तमाम कार्यकर्ता नेता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं उस फ्लाईओवर का, और यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ निकले हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, स्मार्ट सिटी मुर्दाबाद, स्मार्ट सिटी मुर्दाबाद, स्मार्ट सिटी मुर्दाबाद, करनाल करनाल प्रशासन ने मुख्यमंत्री महोदय और करनाल के विधायक के साथ मिलकर करनाल शहर के बीचों बीच एक फ्लाईओवर निकालने की जो घोषणा की है, हम कांग्रेस पार्टी ये समिति है भी अब लोगों के हित में नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक तो 150 करोड़ रुपये का जो बजट बनाया है उस पहले स्मार्ट सिटी के नाम पे 700-800 करोड़ रुपये जो लग चुका है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम ये सोचते हैं अभी 150 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा मोटा घपला होने की आशंका है। सबसे पहले ये बात यह है। दूसरी बात, पुल देखने को तो अच्छा लगेगा लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए अभी और जमीनी सतह में बड़े काम करने वाले हैं जो इन्होंने अभी तक नहीं किए हैं। ना स्लम बस्तियों में गए हैं, ना सीवर व्यवस्था सेट की गई है, ना बिजली व्यवस्था साफ है, ना सफाई व्यवस्था है। और वो काम करने से पहले इन्होंने फ्लाईओवर बनाने की सोच रही है कि जाम की वजह से। मैं 5-4 साल इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या फ्लाईओवर बनने के बाद जाम की जो व्यवस्था है ख़त्म हो जाएगी, जाम नहीं लगेगा? क्या जो सीवरेज के वजह से करनाल में बरसातों के दिनों में पानी भर जाता है वो सारा रेलवे रोड सबसे ज़्यादा दबता है, क्या इतने बड़े बड़े जब पुल बन जाएंगे उसके नीचे उसके पिलर बन जाएंगे उसके बाद अगर कल को ड्रेनेज सिस्टम खराब हुआ तो क्या वो पुल को दोबारा उखाड़ेंगे? उससे पहले क्यों नहीं उसकी सवारी व्यवस्था ठीक कर दी जाती जहाँ कल को करनाल डूबने के चांस ना हो? तीसरा, कमेटी चौक से लेकर DAV कॉलेज तक बड़ा कम जगह है जहाँ से पुल बनना है, और पुल बनने से लाइट व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, नीचे अंधेरा रहेगा हर टाइम। चौथा, जो बिल्कुल साथ रखती दुकानें हैं वो पुल के साथ टच करेंगी, पुल के बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगी। 4-5 मंजिल दुकानें बनाने की व्यवस्था थी NCR में, वो चौपट हो जाएगी। तीसरा, जब करनाल की प्रॉपर्टी का रेट है अम्बेडकर चौक से लेकर कमेटी चौक तक और नरकारी भवन से लेकर 14 सेक्टर तक, ये प्रॉपर्टी का रेट जो है कम हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी पुल बने हैं भले ही देखने को सुंदर लगते हों, भले के ऊपर उससे ऊपर से जाने वाले को अच्छा लगता हो, लेकिन जो दूर का भी उसका परिणाम है वो अच्छे नहीं है। लोजन जी, आप विरोध कर रहे हैं, किसी दुकानदार ने विरोध किया? क्योंकि दुकानदार तो कोई भी यानी कि विरोध नहीं कर रहा, हमने हमारी बातचीत हुई तो कह रहे बनना चाहिए ये। देखिए, जब आप कैमरा लेके जाओगे, जब उनको पता होगा कृष्ण उपल या बाकी पत्रकार आए हैं वो यही बात कहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं अभी पहले दिन अगर मोरिया जाके कांग्रेस ज्वाइन करता है या सपा ज्वाइन करता है अगले दिन उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो जाता है, चीफ मिनिस्टर चन्नी अगर आता है तो उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो जाता है, तो इसलिए कोई भी वोट नहीं बोलेगा। अभी की इसमें एक दो दुकानदार भी उनका नाम नहीं लेना चाहते, खड़े हैं वो यहाँ खड़े हैं, उन्होंने कहा है, डरते हैं। हाँ, उन्होंने साफ कहा अगर वो बोलना चाहे बोल सकते हैं कैमरे में, वो सुन रहे मेरी बात को, लेकिन उन्होंने ये बोला बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनकी वर्डिंग बेड़ा गर्क हो जाएगा, दुकानदार नहीं बोल पाए। लेकिन आप हमेशा नहर पे जाते हो,
जब कोई व्यक्ति डूबने लगता भाग के, क्या आप उनके रिश्तेदारों को बुलाते हो पहले फोन करके भी आओ आपका व्यक्ति डूबने जा रहा है, आप उसको बचाने की कोशिश करते हो? हम राहगीर हैं, हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हम करनाल के बचाने के लिए भरकम प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। मार्केट एसोसिएशन भी नहीं बोल रही, आपको नहीं लग रहा कि भी आपके विरोध को देख के लोग कहेंगे ये तो राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पुल तो अभी बना नहीं, आप भ्रष्टाचार के आरोप पहले ही लगा रहे हैं। देखिए, जब मालूम हो भी एक घर में चार बच्चे पैदा हुए हैं, चारों ही विकलांग हैं, तो पंचवे के भी शक किया जाता है ये विकलांग ही पैदा होगा। करनाल के अंदर हर चीज में भ्रष्टाचार है, कौन सा ऐसा काम है? अभी तो SC को क्लीन चिट ही नहीं दी गई, उसके साथ ही उस जो स्मार्ट सिटी का जिसमें प्रोजेक्ट है, साथ ही अगला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि जो एसोसिएशन के प्रधान है वो नहीं बोलते, एसोसिएशन के प्रधान बुके लेकर जो मुख्यमंत्री को देते हों, जो बीजेपी के स्टेज पर चढ़ते हों, वो नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे इन जैसे बोलेंगे जिनकी दुकान उसके बीच में आती है। आज ज्ञापन देने के लिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं, हमारी जिम्मेवारी है, चौकीदार का काम है, कहना जागते रहो, आगे फिर भी वो अगर चोरी कराना चाहे तो करा सकते हैं, हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। कल को ये ना कहे जब पुल बन रहा था आप ऐश कर रहे थे, क्यों नहीं बोले? हमारे को पता इसके बड़े करनाल की उसकी प्रॉपर्टी के रेट अंदर रह जाएंगे, ये दुकानदार है, ये दुकानदार की सुंदरता खत्म, पहले प्रोजेक्ट जो था ये 150 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया, पैसा तो देखो करनाल में खर्च हो ही रहा है ना, आप चाह रहे हो कि खर्च भी ना हो? नहीं नहीं, किसी ठीक जगह पे खर्च करे ना, 150 करोड़ रुपया स्लम बस्तियों में ठीक लगाए ना, जहाँ सीवरेज व्यवस्था नहीं है, जहाँ पानी व्यवस्था नहीं है, जहाँ बिजली व्यवस्था नहीं है, जहाँ स्कूल व्यवस्था नहीं है, जहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं है, वहाँ लगाए पैसे। एक पुल में 2 किलोमीटर चलने के लिए और जाना, जिसने बाजार में आना है वही लोग इन सड़कों पर आते हैं, जो मेडिकल चौक से जो अगर 14 सेक्टर जाना चाहता है तो हॉस्पिटल से होके क्यों नहीं चला जाएगा, हॉस्पिटल चौक से होके क्यों नहीं चला जाएगा, जो BS मॉडल स्कूल से अगर जाना चाहता है वो उधर से घूम के जा सकता है। 150 करोड़ रुपया खर्च करने के पीछे एक दिमाग काम कर रहा है, उसी दिमाग ने करनाल में टैल सिस्टम किया, उसी दिमाग ने दिमाग है जी, वो हमें भी बता, हाँ वो समय आएगा, आप सब जानते हो, बता दो लोगों को पता लग जाए। नहीं चलो, कई चीजें आप भी डर रहे हो कहीं ना, हाँ मैं डर रहा हूँ, डर रहे हो? डर रहा हूँ, डरने का कारण है कि क्या कहें आपको, है अब मेरे ऊपर कल को ये फीम डाल के केस बना दें तो क्या आप मेरी मदद कर पाओगे, क्या ये कोई मदद कर पाएंगे? ऐसे हो रहा है ये काम, जो बोलता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, मेरा नुकसान हुआ है, मैं ये नहीं कहता नहीं हुआ। भी डर के राजनीति कैसे होगी, तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो, अगर आप डरी गए फिर राजनीति कैसे करोगे? देखो, सर्दी से बचने के लिए जरूरी नहीं 4 कपड़े डाले, 2 से भी काम चल सकता है, हम अपना काम को बचा रखने के लिए जितने में काम चलता चला रहे हैं, लेकिन 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 कल को ये ना कोई कहे, कल को ये ना कोई कहे कांग्रेस वाले बोलते नहीं है, हम तो बोल रहे हैं, हर बात में बोल रहे हैं, आपने देख लिया, चाहे वो सिविल व्यवस्था रहा हो, चाहे डूबने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, हर जगह बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। क्या इसी डर के कारण जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं अंदर बड़े हुए बाहर नहीं निकल रहे, आपके साथ नहीं दे रहे? देखो, बड़े लीडर हम बुलाते नहीं है, उसका कारण है जब बड़े लीडर आते हैं जो असली काम करने वाले हैं, इनके अखबारों से नाम गायब हो जाते हैं, उनके नाम आ जाते हैं, वो बाद में उनके साथ रात को बैठ के पार्टियां कर रहे होते हैं, जो जो इस माइंड के पीछे होते हैं। पब्लिक में तो सर गलत मैसेज आएगा ना, भी बड़े लीडर इसके मतलब सर चुनाव के टाइम पे नजर आते हैं, उससे पहले 4.5 साल तो गायब ही रहते हैं। जी, मैंने करनाल से इलेक्शन लड़ा आपके आपके सहयोग से, मैं अकेला ही पनपना चाहता हूँ, मैं चलो और नहीं आएगा बढ़िया, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं जब कोई हड़े नहीं जाएगा। एक तरफ आप दलेरी दिखा रहे हो, दूसरी तरफ नाम बताने की जिद कर रहे हो, इलेक्शन नाम किसका? तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर कांग्रेस जो है आज इकट्ठा होकर पहुंची है, क्योंकि जिस तरह से घोषणा की गई है कि करनाल में फ्लाईओवर बनाया जाएगा रेलवे रोड पर संत निरंकारी भवन से लेकर सेक्टर 14 नर्सिंग होम तक लेकर, तो उसको लेकर ही कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर उतरी है, जिला सचिवालय ज्ञापन सौंपने पहुंची, क्योंकि उनका कहना है जो मार्केट एसोसिएशन है, मार्केट्स हैं वहां पर, जो दुकानें पड़ेंगी नीचे जो फ्लाईओवर के नीचे आएंगी उनको जो है भारी नुकसान होने वाला है, उनका काम जो है नहीं रह जाएगा, चौपट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है जो प्रॉपर्टी वैल्यू है करनाल में, जो भी पुल के नीचे आएगी वो जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, उसी को चलते आज कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पर उतरी है, जिला सचिवालय जो पहुंची है ज्ञापन सौंपने के लिए।
और आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन बात यह है कि अभी सिर्फ घोषणा की गई है फ्लाईओवर बनाने की, लेकिन इस तरह से सड़कों पर विपक्षी पार्टी उतर रही है, क्या कुछ देखना होगा, क्या कुछ सरकार इस मामले में कहेगी या क्या करेगी जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर ये इसलिए लेकर आया जा रहा है फ्लाईओवर, ताकि जो ट्रैफिक की एक समस्या बनी रहती है पूरे करनाल शहर में, उससे निजात मिले लोगों को। लेकिन विपक्षी पार्टी का कहना है कि जो नीचे मार्केट आएगी, जो नीचे दुकानें आएंगी, उनका धंधा, जो उनका काम है वो चौपट हो जाएगा, साथ ही साथ प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो नीचे गिर जाएगी। जो भी फ्लाईओवर के नीचे जितनी भी दुकानें आएंगी, मार्केट आएगी, वहीं सरकार का यही कहना है कि हम लोगों के फायदे के लिए करें, 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट लेकर आया जा रहा है। तो आप लोगों से ये अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।